ಪ್ರಗತಿ ಮಾರಿನ सोनिया, मैं रणवीर को पाना चाहती थी, मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर, इसे हॉस्पिटल के पिछले गेट से लेकर जाइए। मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले यहाँ क्या हुआ है। मैं दोबारा आऊंगी रणवीर, और मैं गणपत काका की दुकान में मजदूरी करने ना जाऊँ। मैं तो वहाँ हिसाब किताब करूँगा। उनका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है ना किशन, इसलिए उन्होंने मुझे रखा है। पूजा का सामान लाना है बाहर जाकर, इसलिए लेते लेते दोपहर हो जाएगी। ठीक है, चली जाना। आज जाके इन सारे कागजों पे भाई साहब के यहां हस्ताक्षर करवा लेता हूं। ये कर रहा है चौधर तू? इतने सारे कागज देख के भाई साहब को शक हो जाएगा, समझाना? रोज दो चार कागज ले जाके हस्ताक्षर कराऊंगा, तुम्हारा हिमालय जैसा भाई साहब हंसते हंसते अक्षरों में हस्ताक्षर कर देगा। प्यार में, मोहब्बत में दिल जो टूट जावे हैं लोग, ऐसी हालत में थारे पास आवे। अरे तू ना होती तो जीवन कैसे कटे, मौत पहली आ जावे। बस करो, कितने पियोगे? शाम से लेके बैठे हैं आप शराब। अरे कुछ तो सोचो, दिन भर नशे में डूबे रहते हैं आप, ना खाने का होश, ना पीने का, ना जागने का, सोने का। ये शराब ना हो गई ना, इस हवेली की दुश्मन हो गई है। दोस्त है हमारी, पक्की दोस्त। अरे वो पता दुश्मन कौन है? अरे दुश्मन तो हमारे जीवन में आई हुई सारी औरतें हैं जो हमारा फायदा उठाकर निकल लेती है, हमारे को दुख दर्द देकर परेशान करके, फिर अकेला तना रह जाता है सरपंच इस बड़ी सी हवेली में। अरे ये तो मलम लगावे उस दर्द का। वैसे तो मारे को ना जानी ना है, जानती तो ये सवाल ही ना करती। जैसे मैं बोलू ना वैसे ही कर, मैं बोलू उठ तो उठ, मैं बोलू बैठ तो बैठ। मारे को ना शराब पीने से ना रोक, दिमाग खराब हो जाता है हमारा। आई बात अरे समाज है सुतरे। आजकल सारे ही बोलने लगे हैं भाई, सारे लोग बोलने लगे। बोल के बोले बोलना कुछ नहीं भाई साहब, वो मैंने एक आदमी से मिला था ना आपको। कौन? तुम्हारे लोगों की जमीन पे फैक्ट्री लगाने वाला है। हमारे लोगों की बात की सुन रही है, जाए यहां से। राणा, हमारे भाई साहब को शराब में डुबा रही है। ये कर रहे हो भाई साहब? हाँ, ये शराब आपके पीने लायक है क्या? भाई साहब आपने इतने सालों जो मेहनत की ना भाई साहब, उस मेहनत से जो लाखों रुपए की जमीन थी वो करोड़ों की हुई, और करोड़ों रुपए की जमीन अब अरबों रुपए की होने वाली भाई साहब। अरे लक्ष्मी खुद चल के मारे लोगों के दरवाजे पे आ रही भाई साहब, उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, समझ रहे हो भाई साहब? दरवाजे पे मारे को लक्ष्मी तो नजर ना आ गई। अरे वो कहाँ नजर आ गई लल्ला? अरे ये भाई साहब, अरे तो बात बता, तू मक्खन लगा रहा है तू मारे को? के काम है जल्दी बोल, वारा लल्ला तो काम नहीं है भाई साहब। देखो वो लक्ष्मी जो आपको वहां नजर नहीं आ रही,
इन कागजों में आपके दस्तखत होते हैं। कुछ ही दिनों में ये हवेली है ना भाई साहब, उस लक्ष्मी से भर जाएगी। बस आप दस्तखत करो भाई साहब। हाँ करना। बस भाई साहब फिर देखो। हाँ करना। यहाँ कर दो। एक ही हमला और एक ही हमला। और बस भाई साहब अब आप देखना, आपका यो लल्ला है ना भाई साहब, आपको काम ही नहीं करने दूंगा। और वो शराब मैं भेजता हूँ भाई साहब, शराब आपको अंग्रेज जी। जल्दी भेज नेकी और पूछ पूछ के करा, जल्दी भेज मार ली। भाई साहब अभी गया और अभी भेजा। शराब ना है दुश्मन, सारी औरतें जो हमारे जीवन में आई हैं, सारी हमारे को बेवकूफ बनाकर चली गई हमेशा की तरह, सारी की सारी। एक ही चीज बची, प्यार में मोहब्बत में दिल से टूट जावे हैं तो ऐसी हालत में हमारे पास आवे। महात्मा जी, महात्मा जी, ओ महात्मा जी, क्या हुआ? इतनी रात में दरवाजा क्यों पीट रहा तू? किसी ने तुझे देख लिया तो? दिमाग तो ठीक है तेरा? अरे महात्मा जी, हमारे दिमाग का कीड़ा दिन से ज्यादा रात में कुलबुलाता है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सब तरफ देख के आ रहा हूँ, आश्रम में सन्नाटा ही सन्नाटा है, किसी ने नहीं देखा, आप निश्चिंत रहो। ठीक है बोलो क्या बात है। मन लग रहा है कि प्रगति को चौहानपुर जाते समय ना पकड़ के आते समय गायब करें। क्यों, उससे क्या होगा? देखो महात्मा जी, प्रगति और उसके परिवार को चौहानपुर की पंचायत ने तड़ी पार किया है, और अगर प्रगति वहां जाएगी तो छुपते छुपाते जाएगी। ऐसे में अगर हम चौहानपुर के लोगों को खबर कर दें कि प्रगति आ रही है तो बस हो गया हमारा काम, हाथ भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे और प्रगति भी गायब हो जाएगी। और अगर किसी तरह से वो वहां से निकलने में सफल रही तो हम गायब कर देंगे। दिमाग तो तेरा ठीक चलता है कल्लू, लेकिन ये बात चौहानपुर के लोगों तक पहुंचेगी कैसे? ये बात तुम हम पर छोड़ दो महात्मा जी, चौहानपुर में किसी ना किसी तरह प्रगति के पुराने दुश्मन तक खबर पहुंचा ही दूंगा। पर ये मत भूलिए महात्मा जी कि मैं भी चौहानपुर का रहने वाला हूं। दीदी? हाँ उदय, और हो सकता है मैंने आते आते शाम हो जाए, तब तक मासा और दादी सा का ख्याल रखना। आप निश्चिंत होके जाओ दीदी, मैं हूँ यहाँ पे। अपना ध्यान रखना और कोशिश करना घर जल्दी आने के लिए, मैंने अपना रिजल्ट भी देखना है। हाँ उदय, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। तूने तो खूब मन लगा के पढ़ाई की है ना, तो निश्चिंत रहे, हाँ रिजल्ट अच्छा ही होगा। ये सब तो आपके साथ का असर है दीदी, आज मैं जो भी हूँ सब आपकी वजह से ही तो हूँ। ना उदय, इंसान अपने कर्मों के अनुसार ही फल का स्वाद चखता है। तुमने ईमानदारी से मेहनत की है ना, और देख लेना तुम्हें उसी के अनुसार फल मिलेगा। दीदी मैं आपका इंतजार करूंगा। चलती हूँ, समय पर आ जाऊंगी।
मुझे माफ करना दीदी, आज मैं आपसे छुपा कर कुछ करने जा रहा हूँ अपने लिए ना, काका सा के लिए, काकी सा के लिए, दादी सा के लिए और आपकी खुशी के लिए। मुझे माफ करना दीदी, माफ करना। जिसने पिया है सात रंग को, जिसने जिया है सपनों की परी। अरे प्रगति, चौहानपुर में तो थारा ऐसा स्वागत होने वाला है जोरदार बैंड बाजों के साथ। अभी थारे स्वागत का मैं ऐसा बंदोबस्त करने वाला हूँ, ऐसा बंदोबस्त करने वाला हूँ कि चौहानपुर में घुसते ही सारा गांव थारी आरती उतारने को खड़ा होगा थारे इंतजार में। रोज अपने परिवार को याद करें, रोए हैं टूटे हैं, ऐसे में कंधे का सहारा तो चाहिए। हमारा कंधा है ना आपके लिए। प्रधान जी। हाय घड़ी खम्बा, घड़ी खम्बा, कौन बोल रहा है सुबह सुबह? अरे कौन बोल रहा है इसे छोड़ो, के बोल रहा है इस पे ध्यान दो। हमारी सबसे बड़ी दुश्मन प्रगति चौहान पर पहुंच रही है। के? प्रगति चौहान पर आ रही है? अब जली ना दिमाग की बत्ती, कौन बोल रहा है कि चक्कर में पड़े थे प्रधान जी? पर तन्ने कैसे पता कि प्रगति चौहान पूरी आ रही है? प्रधान बनना है कि जिंदगी भर वो प्रधान बने रहना है? मेरी
बात ध्यान से सुनो प्रधान, दोनों कान खोल के। प्रगति चौहानपुर पहुंच रही है स्कूल अपना रिजल्ट लेने। ये करना है प्रगति का, अच्छी तरह समझ ले। बाय बाय। हेलो 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 प्रगति, अब थारा के होगा। इसे कहते हैं हर लगे ना फिट करी और रंग भी चोखा आए। अरे छोरी प्रगति, वाह सारी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तूने चौहानपुर में आने की हिम्मत जुटा ली। आजा आजा चौहानपुर में, अगर तू जिंदगी से हाथ ना दो बैठी छोरी तो हमारा भी नाम उप प्रधान ननकू बनिया नहीं। नशा भी कितनी खराब चीज हो गई है, ये बात तो मैं भी मानू, पर ये शराब मारे लिए फायदे का सौदा साबित हुई। अब देखो ना, मारे हुकुम रोज शराब के नशे में डूबे रहे हैं, रोज अपने परिवार को याद करें, रोए हैं टूटे हैं, ऐसे में कंधे का सहारा तो चाहिए। मारा कंधा है ना आपके लिए, मारे प्यारे से हुकुम, आपका प्यार मारे सराखों पे। आप रोज इसी तरह इस नशे में डूबे रहें, गमों में खोए रहें, और मारी बाहों में झूले रहें। फिर एक दिन ऐसा बम फूटेगा, ऐसा बम फूटेगा कि आपके पैरों तले जमीन खिसक जाए। और जब तक आपका नशा टूटेगा, आप होश में आए, तब तक मारी कोख में आपका बच्चा पल रहा होगा, हमारी औलाद, आपका अपना खून। और वही खून इस हवेली का ना सिर्फ हिस्सेदार बल्कि आपकी जायदाद का भी वारिस बन जाएगा, इकलौता वारिस, मारी औलाद। इस हवेली का इकलौता वारिस, अब तक इतनी देर हो चुकी होगी ना हुकुम कि कोई कुछ भी ना कर पाएगा। हाय
बहुत प्यार करे हूँ मैं आपसे, आपकी कसम। इतनी सुबह सुबह भाई साहब के कमरे में क्या कर रहे हैं? मैं बकरी घुस गई क्या? मैं पानी देने गई थी बड़े हुकुम को, पानी देने। पानी देने? हाँ। इतनी सुबह सुबह भाई साहब को पानी पिलाने गई? मैं बकरी घुस गई के? इधर से बोलना। वो मैं पानी देने गई थी बड़े तुमको, पानी देने। पानी देने? हाँ। इतनी सुबह सुबह भाई साहब को पानी पिलाने गई? अब भाई जे बात तुम्हारे को ना पता कि आदमी को बखत देख के प्यास लागे है। हाँ, बड़े हुकुम ने मारे को आवाज दी, मारे से पानी मांगा, मन ने पानी दे दियो। अब ये बात तो आप अपने भाई साहब से जाके पूछो कि उन्हें सुबह के वक्त में प्यास क्यों लगे है। ऐसोत्री, और इतना ज्यादा होशियारी मत किया कर। तू कहना चाहती है कि भाई साहब ने थाने को आवाज दी, उन्हें उनको पानी पिलाया और पानी पी के सो गए? तू झूठ बोल रही है। अरे मारे को झूठ बोल के क्या मिलेगा? झूठ क्यों बोलूंगी? उन्होंने मारे को आवाज लगाई, मारे से पानी मांगा, मन ने पानी दियो, उन्होंने पानी पियो, फिर सो गयो। इसमें झूठ बोलने की क्या बात होगी भला? हाँ हाँ, मारे को भी बहुत काम है। एक निकल होगी बाहर जाके कमरे में, यानी सुबह सुबह। हाँ, जिसने पिया है सात रंग को, जिसने जिया है सपनों की परी। लेकिन मैंने जय जरूर पता है कि जिसने भी मैंने फोन किया है वो झूठ ना बोल रहा। आज जय छोरी प्रगति बचनी ना चाहिए। मैं आप लोगों की रिजल्ट देख कर आती हूँ, तुम लोग भी अपनी क्लास में जाओ। चल खड़ी गम्मा टीचर जी।